ये धमान चैनल देख रहे जिन्हें भी दर्शक सारिआं दा अमरजीत धमान वल्लों निघा निघा स्वागत किया जाता जी। सो कुराली शहर दे विच बडारी रोड ते जिथे के बाबा बुद्धगिर जी, सो उन्हां दा इह पुरातन डेरा है जो लगभग 45-50 साल तो यह डेरा बनया होया है। सो इत्थे हर साल सालाना मेला जेठ महीने दे जेठे वीरवार नूं मनाया जाता है। सो इत्थे कवालियां कीतियां जांदियां ने, भंडारा किया जाता है, जलेबियां दा अते लंगर पानी दा बहुत वधिया प्रबंध किया जाता है। तो आओ तुहानूं इत्थों दियां झलकियां भी दिखाउंदे आ। तो इत्थे पहुँचे जो महापुरश अपना बाबा बुढ़न शाह जी दे डेरे दे जो साई ने, वो भी इत्थे पहुँचे ने, आपां उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे ते होर भी जो शख्सियतां ने उन्हां नाल भी गलबात करदे आ। जय साईं जी। सो अज तुसी बुद्धगिर जी महाराज जो कुराली वाले ने इत्थे पहुंचे हो, सो की कहना चाहुंदे हो अज दे इह दिहाड़े बारे? अज असी इह बुद्धगिर जी महाराज दे अज पावन उर्स मेले ते जिथे कि रामायण दा पाठ भी चल रहा है ते पीरां दीआं कवालियां, पीरां दी महफल, जिथे सारा समाज अज वर्गां च वंडिया जा रहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसे जिहड़े मेले है, ऐसे स्थान है, धार्मिक स्थान, क्योंकि मैं साईं बाबा बुढ़न शाह जी दरबार तो आया, उस जगह पर भी सारे धर्मों के जिहड़े लोग है उत्थे आने हैं, क्योंकि धन गुरु नानक साहिब पातशाह का वर है कि जो तेरा कर सो मेरा, मेरा कर सो तेरा। बाबा अग्रेता जी के संगतां दी है, पतालपुरी साहब, आनंदपुर साहब, सारे साईं जी के दर्शन करते हैं। तो शेरां तो बकरियां चराइयां, शेर कुत्ते बकरियां इकट्ठे रह सकते हैं, लेकिन अज इंसान इकट्ठे नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा जिहड़ा धार्मिक वितकरा है, ये सारा जिहड़ा असीं कार्ज आरंभे है बाबिआं ने, ये बहुत वधिया है। साडे हेमराज वर्मा जी, सारी जिन्नी भी टीम है, सारी संगत का, इत्थे दे बाबा जी, सारी संगत का मैं बहुत धन्नवादी है। ऐसे मेले उस मेले होने चाहिए। तो अज जो इंसान है, इंसान का वैरी होया होया जी, ये बारे की कहूँ? देखो तुसीं कहा इंसान, पहली गल तो इंसान की परिभाषा गया है, जेकर इंसान खाण के काबिल नहीं है तो वह जानवर तो भैड़ा है। इंसान जिहड़ा है, इंसान वह है जिहड़ा दूसरे नूं भी अपने बराबर इंसान समझदा, इंसानियत जिंदा रखे, हर एक नाल प्यार भावना नाल पेश आवे, सारे नाल प्यार प्यार मुहब्बत नाल रहे जी। धन्यवाद जी। तो हेमराज वर्मा जी, हैप्पी जी, जिन्होंने असं प्यार कहने, इन्हों गलबात करते हैं जो बुद्धगिर जी महाराज ने इतने ये भी मौजूद ने। हाँ जी हैप्पी जी, तुम अज के ये शुभ दिहाड़े बारे की कहना चाहते? देखो जी, सब तो पहला बाबा बुद्धगिर जी महाराज जी की जय। चिंता हरण महादेव मंदिर जो बड़ाली रोड पर स्थित है, इस स्थान की अपने पंजाब या कुराली दे विच नहीं, बहुत बड़े अते तकरीबन सारे मुल्कां दे विच इत्थे तो आशीर्वाद प्राप्त लैके
लोग उत्थे बसे हुए हैं, अज भी वह लोग इतने आके मत्था टेक रहे हैं, अपना सिर झुकाने हैं। जे इस दर दे विच शक्ति है तो वह आने हैं। बाबा बुधगिर जी इन्हां ने बहुत तपस्या करी है इत्थे, इन्हां दा बहुत उरे कराली दे उपर 42-43 साल इन्हां ने इत्थे तप करिया है। इस धरती ते समझ लो भगवान बसदा है, इस गद्दी दे विच महाराज हर एक धर्म आंदा है। इत्थे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेदभाव नहीं है, इत्थे हर एक आंदा है। अज दा जो दिन है साल दा, साल विच सालाना भंडेरा होंदा है उरे, हर कवालियाँ लगदी है। अज जिदा बुधवार है, बुधवार नूं कवालियाँ होंदियां, वीरवार दा जेठा है जेठ दे, इस नूं इत्थे भंडारा होंदा है, चादर चढ़दी है। जो ये सदियों तो परंपरा चली आ रही है, ऐसी आस करते हैं बाबा बुधगिर दे कि इदा ही चलती रहेगी। हर एक होर मैं कहना चाहता है कि जिदा धर्म के नाल जुड़ो, हिंदू धर्म के नाल जुड़ो, सिख धर्म के नाल जुड़ो, धर्मी बनो, ना कि एक दूजे इंसान के नाल दुश्मनी रखो, प्यार रखो सब नाल, ताकि उस अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा सब से भला रखे। जय बाबे जी। ने कहा कि बस भाई शख्सा मेरा ख्याल है कि तेरे वास्ते माल बहुत होगा, बल्कि तेरिया आने वाली कई नस्लों वास्ते भी बहुत है, तेरिया आने वाली कई नस्लों के लागे भी खरीदी नहीं आऊगी, जा सारा माल ले जा। लेकिन एक काम कर, जेड़ा तेरे दिल दे विच साडा प्यार, साडी मोहब्बत, साडी उल्फत, साडा इश्क है, ओह सानू वापस दे जा, ये सारे इजालत ले जा। तो शख्सी कहना है कि मौला एक कहां हो सकता है, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਰਾਤ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਰਮਾਇਓ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾ ਮੌਲਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਟਿੱਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਔਰ ਯਾ ਮੌਲਾ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੋਤੀ ਦੇ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੌਲਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਢੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲੇ। ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਰਮਾਇਓ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਰਿੰਡਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਰਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬੁੱਧਗਿਰ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧਗਿਰ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਡੇਰਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਕੀਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਹੈ,
बहुत बड़ा जग चल रहा, रामायण के पाठ आरंभ होए हुए हैं, कल भोग पैने हैं। अच्छ कि बड़ा समा कलयुग का चल रहा है, ईरखा नफरत द्वेष चल रही है, तो सानू प्रेम दे नाल सारे धर्म का सत्कार करते हुए बंदगी दे विच जुड़ना चाहिए, सेवा सिमरन दे विच जुड़ना चाहिए। अपने जीवन का लाहा, अपने जीवन जो 84 लाख जुन्ना वध मिलिया वो जीवन में सफल करना चाहिए। इतने अनेक बहुत महापुरश पहुँचे उच्चे उच्चे स्थानों तो, बाबा जी साहब पहुँचे कीरतपुर तो, बाबा बुढ़न शाह जी डेरे तो, किड्डी बंदगी वाली रूह तो पहुँचे, बाबा बुधगिर जी ने किन्नी बंदगी करी है, बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी महापुरखों ने बहुत बंदगियां करिया। नमस्कार योग है, जिथे हर आराधिए तिथे मित हर सहाई, उत्थे पर जिथे परमात्मा आराधते हैं उत्थे परमात्मा मित्र होकर सहायता करता है। उरे प्रतख है किड्डे किड्डे भंडारे होंगे, किड्डे किड्डा एक प्रेम बहुत बड़ा, सारी वहमां भरमां तो उपर उठ गए, ईरखा तो उपर उठ गए, प्रेम वाला माहौल है, प्यार वाला बंदगी वाला। सारिया संगत को यही बेनती करते हैं वो तो वह हाजरी भरो, कल भंडारा भी है, सेवा सिमरन का लाभ प्राप्त करो, साढ़े जीवन में जो कि साडा लोग सुखी है परलोक सेला हो सके। सारिया का धन्यवाद, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। बाबा जी तुसी की तुहाडे की विचार ने इस डेरे दे बारे, जो परमात्मा दे बारे के सारे धर्मां दे बारे? अरे महाराज, धर्म से बड़ा तो कुछ नहीं है, धर्म तो सबसे बड़ा ही है। हम भी चित्रकूट से आए हुए हैं, इतनी दूर से आए हुए हैं, यहाँ का भंडारा और यहाँ का जो है हर चीज़, बुद्धगिरी बाबा का डेरा है ये, अच्छा है, बढ़िया धर्म होता है, भंडारे होते हैं। कहाँ से आए आप? चित्रकूट से आए महाराज, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट है, चित्रकूट से आए हैं। भंडारा के बारे में सुना था, अच्छा धर्म होता है, अच्छा बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया होता है, क्या कहना है, आगे भगवान धर्म तो सबसे बड़ा ही है, इसीलिए बस आए हैं, देखे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जो है भाजी भाजी पंजाब आए हैं, उत्तर प्रदेश से, ये है पंजाब, सुना था देखा नहीं था लेकिन अब देख लिया, अच्छा धर्म कर्म होता है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। हाँ जी पंडित जी, की विचार है तुहाडे इस भंडारे दे बारे? बोलो बुद्धगिरी महाराज की जय। जैसे कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि आज बुद्धगिरी की वर्षी के उपरांत उपलक्ष्य में श्री अखंड रामचरितमानस का पाठ आरंभ हुआ सुबह 9 बजे, और कल
हवन के उपरांत भगवान श्री राम जी की आरती होगी और भंडारा होगा और सभी आज रात्रि को जैसे कवाली का प्रोग्राम चल रहा है और भंडारा चल रहा है तो सभी नगर निवासियों से विनती है कि कल श्री रामचरितमानस के पाठ में सभी लोग सम्मिलित हों और पुण्य के भागीदार बने। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।